चलो ना भाई रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। हाँ चलो चलो। अरे अरे साहब लोग का पैसा गिर गया। अरे कहाँ चले गए? यहीं पर थे। अरे यार पैसा, अरे यार पैसा कहाँ भूल गया मेरा? लगता है कोई चोरी तो नहीं ना कर लिया। वही काम को लगता है भाई। अरे भाई वो लोग मिल नहीं रहे, पता नहीं किधर है। मैंने उधर ही दिखा था, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे इतने सारे पैसे, दूसरे के पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, दिखेंगे तो दे देंगे। वो देखो हम लोग का पर्स, वो लिया है। देखो देखो भाग रहा है, पकड़ो इसको। अरे आप लोग मिल गए, आप लोग मिल गए। हम लोग का पर्स चुरा लिए ना, वहाँ पर हम लोग बैठे थे तो। मैंने चुराया नहीं मालिक, पैसा आपका गिर गया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गरीब लोग ना अमीर लोग के पर्स को ले लेते हो पैंट से निकाल कर। अरे नहीं मालिक, आपका पैसा गिर गया था, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ भाई यही चुराया है। हाँ इसको मारा जाए और पर्स भी ले लिया जाए अपना। मारो कितना पैसा था तुम्हारे पर्स में? 10-11 हजार देख लो मालिक, पैसा नहीं। हाँ, पैसा तो बराबर है, लेकिन इस गरीब के चलते हमारा टाइम बर्बाद हुआ। इसको पता नहीं कि हम लोग एक एक मिनट पे 1-1 हजार कमाते हैं। 10 मिनट गया, हम लोग का 10 हजार का घाटा हुआ। इसके बाद चेक करो जितना पैसा होगा ले लो। चलो मालिक, मालिक मेरे पास तो बस दो 500 रुपए। तुम गरीब क्यों ना, 500 रखने का औकात नहीं है। मालिक मेरा भी तो टाइम बर्बाद हुआ ना। लो ये 5 रुपए, तुम्हारा 5 रुपए का ही औकात है। चलो भाई चला जाए। सिर्फ अमीरों का टाइम का वैल्यू होता है, अमीरों का टाइम का कीमत हजारों होता है, और हम गरीबों का सिर्फ रुपये में। वो लोग मेरा 500 लेकर चले गए और मुझे सिर्फ 5 रुपये दे दिए। क्या करें 5 रुपये से। चलो भैया मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ कि मुझे 5 वाला चॉकलेट चाहिए, तो आप नहीं ला रहे हो। अरे छोटे मैं क्या करूँ, मैं दुकान वाले के पास जाता हूँ, बोलता हूँ 5 वाला चॉकलेट दो, तो वो बोल हमारे पास तो बस 2000 का नोट है और 500 का। बोलता है हम लोग कहते हैं ले ले यार 2000 का नोट ले ले, क्या जाता है। वो बोलता है हम फुकट के पैसा नहीं लेंगे, हमको 5 रुपया है तो 5 रुपया चाहिए। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस 5 वाला चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। अरे यार हम तुम्हारे लिए 2000 का चॉकलेट लाते हैं, अच्छा अच्छा सेलिब्रेशन लाते हैं, फिर भी तुमको पसंद नहीं आता, पता नहीं क्या है उस 5 रुपए वाले चॉकलेट में। नहीं मुझे 5 वाले चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। अरे यार उसमें क्या है 5 वाले चॉकलेट में, ये लो 2000 और जाओ कुछ खा लो रेस्टोरेंट में, या कुछ भी करो, कुछ भी चॉकलेट खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना, ये 2000 का नोट मैं नहीं जानता। तुम्हें सामने आता है 2000 का नोट फाड़ते हुए, 2000 नोट फाड़ दिया। अरे लगता है उसे 5 वाली चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। मैं इस 5 के सिक्के से उसके लिए चॉकलेट ला देता हूँ। चॉकलेट तो मिल गया, दे देता हूँ। ये लो छोटे भाई खा लो चॉकलेट, तुम्हें खाने का मन था ना 5 वाला। हाँ भाई, अरे तुम कौन हो भाई? भाई मैं तो अनजान आदमी हूँ आपके लिए, मैं वहाँ पर था खड़ा तो आपका बात सुन रहा था कि आपको चॉकलेट खाने का मन था, इसलिए मेरे पास 5 के सिक्का था तो मैं ला दिया आपके लिए चॉकलेट। भैया इससे कुछ पैसे दे दो भैया। ठीक है भाई, ये तुम कुछ पैसे रख लो कुछ। अरे 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 नहीं 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 रहने दीजिए। अरे भाई बड़े भाई के समझ के ले लो, आपने मेरे छोटे भाई के भाई भी बोल रहे हो और पैसों भी दे रहे हो। अरे आपने मेरे छोटे भाई के लिए चॉकलेट लाया, मैं आपका एहसान कभी नहीं। ये लो कुछ भाई कपड़े वपड़े अच्छे अच्छे खरीद लेना, हमारे भाई की तरफ से ले लो, छोटे भाई की तरफ से। साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, रख लो ना। अरे भाई तुम कितने दयालु इंसान हो, गरीब हो फिर भी तुम तुम्हारा बहुत बड़ा है। वैसे तुम क्या किस क्या काम करते हो? मालिक के कंपनी में काम करता था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ना कि जो मालिक का छोटा भाई था उन्होंने गलती कर दिया और मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, और बड़े मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ भाई। वैसे मेरा मैनेजर अभी दुबई गया है, क्या तुम उसकी जगह ले सकते हो? वो अभी कुछ सालों के लिए गया है। हाँ मालिक की मुझे नौकरी की ही जरूरत है। ठीक है कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर तुम्हारे मैनेजर का पोस्ट खाली है। थैंक यू सो मच। चंद्रकान जाओ थोड़ा अनुज को बुलाओ। ठीक है जा रहा हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे तुम यहाँ पर कैसे? चलिए भैया जी घर पे बुला रहे हैं। अच्छा चलो चलो। हाँ हाँ सर क्यों बुलाए आपने? अरे भाई मुझे सर मत बोलो, मुझे भाई बोल सकते, तुम दोनों मेरे भाई जैसे ही हो। भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। जाओ जाओ। हाँ भाई क्यों बुलाया था आपने, कुछ काम था क्या? भाई पहला बात तो ये, मैं तुमको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे कंपनी को इतना आगे तक ले गए, सो कीप इट अप, अच्छे से करते रहो। अच्छा थैंक यू सो मच। और भाई दूसरा है कि मुझे कुछ जरूरी काम से दुबई जाना है, कम से कम 1-2 साल लग ही जाएंगे, 2 साल लग ही जाएंगे,
तो ठीक है, तब तक के लिए मेरा इंडिया का कोई तो चाहिए ना ऑफिस चलाने के लिए, इसलिए मैं अपना सारा कंपनी तुम्हारे नाम पर कर दिया हूँ इंडिया का। अरे अरे एक मिनट, आप अपने छोटे भाई को ये देते ना? अरे वो अभी पढ़ रहा है, अभी बहुत छोटा है, अभी मतलब उसको अभी पढ़ाई करना है, वो अभी कैसे ऑफिस का काम संभाल पाएगा। तुम संभाल लेना, ये ऑफिस का कागजात रख लो। वैसे शामी को मुझे जाना है दुबई। अच्छा ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं इस कंपनी को टॉप में लेकर आऊंगा जरूर। और मेरे भाई का भी ख्याल रखना, आप उससे अपना छोटा भाई मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगा उसको भी कुछ और पढ़ाऊंगा अच्छे से। कांग्रेचुलेशन भैया, आपने 6 महीने में ही इस कंपनी को टॉप 1 इंडिया पे ला दिया। हाँ वो तो है छोटे, जबकि ये कंपनी 10 साल से यहाँ पे खड़ी है पर इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी आपने करवा दी। देख छोटे, दिल से मेहनत करेगा ना सब पॉसिबल है, बस दिल से मेहनत करते रहो। भैया आपकी भी कहानी कितनी गजब है ना, 5 रुपए से आप इतने बड़े इंसान बन गए। हाँ छोटे ये तो बात सही है, 5 रुपए ने मेरी किस्मत बदल दी। अगर वो 5 रुपए मुझे नहीं मिला रहता ना तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहता। तो वो कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, भगवान सब देखता है, मेहनत भी करो और किस्मत भी साथ देती है। हाँ वो तो है। और भैया वो पांडे जी का डील है ना, हाँ। तो वो बोले थे कि 70% हम लोग को देंगे और 30% खुद रखेंगे। अच्छा मान चलो हमें 5 करोड़ का फायदा होगा। हाँ ठीक है, डील कर लेंगे। और भैया मैं तो एक बात भूली गया, वो जो आपको 5 रुपए दिए थे ना, हाँ। वो लोग अभी नौकरी के लिए रास्ते पर भटक रहे हैं। अच्छा अच्छा सुन ना, हाँ। जब दिखेंगे ना तेरे को, हाँ। बोल देना वो हमारे कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, मैं उन्हें नौकरी दे सकता हूँ। क्यों? अरे भाई देख, आज मैं यहाँ पर हूँ ना सिर्फ उन्हीं लोग के कारण हूँ यहाँ पर। नहीं भैया ये तो आपकी मेहनत थी, आपका वक्त बदला है, हाँ मेहनत की वजह से आप यहाँ पे खड़े हैं। हाँ वो तो है, बट 5 रुपए ने मेरी किस्मत बदली है, वो भी उन्हीं लोग का 5 रुपए का सीखा था। वो लोग 5 नहीं लिए रहते और 5 रुपए नहीं दिए रहते तो मैं यहाँ पर नहीं रहता। वैसे बोल देना उन लोग नौकरी कर सकते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है मैं जाऊँगा तो देख लूंगा। हाँ बात कर लेना अच्छे से। अच्छा सुनना, हमें तो शर्मा जी का प्लॉट देखने जाना था। प्लॉट नंबर 53। हाँ हाँ जल्दी चला जाए, देख लिया जाए क्या होता है। चार पांच यारियों दे नाल हुंदे आ, ईवडीज वाली ना कोई गल ना करो। चार पांच यारियों दे नाल हुंदे आ,